हेलो एवरीवन, तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात करी थी नए से नए लॉन्च पूल के बारे में। चाहे हम सागा की बात करें, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, उससे पहले भी बहुत अच्छे कॉइंट्स आए हैं लॉन्च पूल के ऊपर। बाइनेंस के लॉन्च पूल के ऊपर हमने काफ़ी सारी इनकम अर्न करी है और हमेशा मैं आपको अप टू डेट रखता हूँ। एंड लास्ट टाइम आपको ENA मिला था, उससे पहले ETH5 मिला था, यानी कि ऐसे काफ़ी ज़्यादा कॉइंट्स आ चुके हैं जिन्होंने हमें प्रॉफिट भी अच्छा दिया है और फ्री में कॉइंट्स भी काफ़ी सारे मिले। तो फ्री में हमेशा फ्री ही बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ लगता नहीं है। आपने सिर्फ अपने जो BNB पड़े हैं या फिर आपके जो स्टेबल कॉइन्स पड़े हैं उनको स्टेक कर देना है, वहाँ पे रखते हो, दो चार दिन के लिए स्टेकिंग होती है और फार्मिंग होने के साथ साथ आपका यहाँ पे क्या है कि रिवॉर्ड बहुत ही बड़ा बन जाता है। तो रिवॉर्ड को मिस कभी भी नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो काफ़ी सारे एक्सचेंजेस के ऊपर ऐसे आते रहता है, इवन बिटमार्ट के ऊपर भी, बट हियर आई थिंक कि यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर थोड़ा और प्रॉमिसिंग होता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि ओमनी नेटवर्क यहाँ पे जो लिस्ट होने जा रहा है, ओमनी का ओमनी कॉइन, और यहाँ पे आपको फ्री में कॉइन्स कैसे मिलने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को अभी से लाइक कर दो। वॉ अपडेट के ऊपर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और अपडेट्स आपको मिलती रहेंगे हमारे टेलीग्राम के ऊपर, वॉ अपडेट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूँ। तो ओमनी से फॉर श्योर, अगर आप एक पुराने क्रिप्टोकरेंसी यूज़र हैं या इन्वेस्टर, आपको याद आ रहा होगा कि ओमनी हमने पहले भी देखा है। जी हाँ, हमने ओमनी देखा था सबसे ज़्यादा तो WazirX के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होती थी वहाँ पे BP2, BP20, ERC20, ओमनी, TRC20, तो इन अलग अलग नेटवर्क्स के ऊपर तब ट्रांजेक्शन्स होती थी। तो ओमनी शायद आपको वो याद आ रहा होगा, तो वो आई बिलीव कि वो ओमनी शायद लगता, वो omninos.in के ऊपर वहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। लेकिन ये जो ओमनी है, ये omni.network के नाम से प्रोजेक्ट है, ये अपनी खुद की ब्लॉकचेन लेकर आ रहे हैं। तो ये इथेरियम के ऊपर इंटीग्रेटेड रोल अप लेयर लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो L1 रहता है वो सेटलमेंट लेयर रहेगा और L2 रहेगा आइसोलेटेड रोल अप्स। तो यहाँ पे जो मतलब है ओमनी का, वो ये कि ये ओमनी क्या करने वाला है, इंटीग्रेट करेगा सभी रोल अप्स को, जिससे क्या है कि इंटरऑपरेबिलिटी जो नेटवर्क की रहती है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ऐसा मान लो कि नेटवर्क और भी अच्छे से काम करता है और यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन ईजिली कर पाओगे। तो ओमनी नेटवर्क अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर सर्च करने वाले तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ओमनी की वैल्यू जीरो दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम सप्लाई है 100 मिलियन ओमनी कॉइन्स की है, इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट है और आप देख पाओगे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल नया कॉइन है, बिल्कुल नया कॉइन, और ये आने वाला है बाइनेंस के ऊपर, और बाइनेंस के ऊपर लॉन्च पूल में ये लॉन्च होने वाला है, जिसमें क्या है कि अगर आप अपने पास BNBs रखते हैं या FDSD रखते हैं, अगर आपके पास कोई और स्टेबल कॉइन पड़ा है जैसे कि USDT पड़ा है, तो उसको भी आप FDSD में कन्वर्ट करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो आपके जो स्नैपशॉट्स हैं, स्नैपशॉट्स लिए जाते हैं, स्नैपशॉट्स के बेसिस पर आपका जितना भी रिवॉर्ड बनता है जो कि ओमनी कॉइन्स में बनेगा वो आपको दे दिया जाएगा और आपने क्लेम कर लेना है। तो ये चीज़ें आपको मैं हर बार बताता हूँ, हर एक वीडियो बताता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि कुछ लोगों को कई बार समझ आता है, कहीं को नहीं आता, या कुछ नए होते हैं, तो मैं इसलिए हर बार नए से नए बताता हूँ। तो 4/17 को, यानी कि आज से 3-4 दिन के बाद, क्या है कि बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है ओमनी कॉइन की और ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी ओमनी BTC, USDT, BNB, FDST एंड TRAI। यानी कि यहाँ पे BTC के अलावा और BNB के अलावा तीन ऐसे पेयर्स भी हैं जो कि स्टेबल कॉइन के साथ हैं। काफ़ी लिमिटेड सी सप्लाई है, सिर्फ 100 मिलियन ओमनी कॉइन्स की सप्लाई है। लॉन्च पूल के लिए जो रिवॉर्ड रखा गया है 3.5 मिलियन ओमनी कॉइन्स का है, जो कि 3.5% है टोटल सप्लाई का। एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इथेरियम है, यानी कि इथेरियम के ऊपर ये कॉइन आने वाला है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये कॉइन भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। लास्ट का हमने सागा देखा, ENA देखा, ETH5 देखा, तो वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिला ही मिला है। एंड आई थिंक ये भी हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई भी स्टेबल कॉइन पड़ा है और BNB बढ़े, प्लीज उसको ले आओ बाइनेंस के ऊपर। हाँ, बाइनेंस नहीं है तो बाइनेंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अभी से साइन अप कर लो। कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, मैं आपको वहीं पे कमेंट्स में बताने वाला हूँ। तो आपके पास ये सारे कॉइंस होने चाहिए और इनको आपने स्टे कर देना है। तो एक तो क्या होता है कि स्नैपशॉट्स वैसे ले जाते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे स्टे करना है। स्टे करके क्या कि यहाँ पे फार्मिंग होगी और फार्मिंग से ही आपका जितना रिवॉर्ड बनता है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बाइनेंस खोलोगे सबसे ऊपर, अगर आप सीधा लॉन्च पैड लॉन्च पूल सर्च भी कर लेते हो तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली यही दिखने वाला है। तो इससे क्या है कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने कैसे स्टेक करना है। आपको स्टेक का ऑप्शन मिलेंगे FDST पूल में और दो यहाँ पे पूल मिलने वाला BNB पूल में। यहाँ पे स्टेक का ऑप्शन आएगा, आपके पास जितने भी BNB पड़े हैं या फिर FDST पड़े हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेने, या फिर आपने नंबर खुद डाल देना कि आपने इतने स्टे करने हैं। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा, 3-4 दिन की बात है, 3 दिन जितने भी आपके कॉइन पड़े हैं सारे के सारे स्टे कर दो, और या आप मैक्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो। मैक्स के ऊपर क्लिक करके आपने स्टे के ऊपर क्लिक कर देना है, इससे आपके क्या है कि जितने BNBs हैं या फिर FDST हैं, दोनों अलग अलग पूल्स हैं, वो स्टेक हो जाएंगे। स्टेक होने के बाद आपके जो रिवॉर्ड्स हैं, रिवॉर्ड्स बनते रहेंगे। जैसे कि ये 4 दिन का फार्मिंग थी, तो मेरा अभी जो रिवॉर्ड बना है सिर्फ 0.1 ओमनी बना है, जो कि है FDST पूल में। और BNB पूल की बात करें तो अगेन ये भी बहुत छोटा सा अमाउंट बना है, 0.11।
या तो मैं लेट हो गया या फिर क्या कि ये रिवॉर्ड ही छोटा है, इसकी रिवॉर्ड छोटा कहने का मतलब सप्लाई कम है, इसकी सप्लाई कम होने की वजह से और टोटल रिवॉर्ड कम होने की वजह से हमें रिवॉर्ड थोड़ा थोड़ा मिल रहे हैं। अब इसका दूसरा अच्छा और बड़ा मतलब ये बनता है कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, जैसे कि ईथवाई की वैल्यू 6-8 डॉलर तक गई थी। सिमिलरली मैं ओमनी की वैल्यू भी इसी तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा ऊपर इसकी वैल्यू जाने वाली है। तो इनका जो मेन प्रोजेक्ट है वो यही है कि इथेरियम रोलअप्स को कनेक्ट करने वाला है और अपने आप में ये भी एक बहुत ही बड़ा सोल्यूशन है। एंड 3 दिन बाकी हैं अभी, शायद आप जब वीडियो देख रहे होंगे 2.5 दिन बाकी होंगे, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप इसको स्टे कर दो। स्टे करके आपको क्या है कि यहाँ पे एक अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो इसको कभी भी मिस मत करो। अब बात आती है कि अगर आपने स्टे कर दिया, क्या आप उस अमाउंट को बाहर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। डेफिनेटली आप अपना अमाउंट जितना चाहो उतना निकाल सकते हो, मैक्सिमम भी निकाल सकते हो, डायरेक्टली आपके स्पॉट वॉलेट में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसको डायरेक्टली आप अपने वॉलेट्स में कभी भी ले सकते हो, वरना इसको यहीं पर रहने दो। जब आपकी फार्मिंग खत्म हो जाएगी, फार्मिंग खत्म होने के साथ साथ क्या कि पूरा का पूरा अमाउंट चला जाएगा आपके स्पॉट वॉलेट में। और इसी के साथ जितना भी रिवॉर्ड बन रहा है वो आपके हाथ में है, आप चाहे क्लेम खुद मैनुअली कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्लेम रिवॉर्ड्स के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये मैनुअली क्लेम हो जाएगा। वरना दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप नहीं भी करते हो, जब फार्मिंग एंड होगी सारा का सारा रिवॉर्ड आपके वॉलेट में जाने वाला है, और जैसी लिस्टिंग होगी मेक श्योर कि आप इसको हाई प्राइस पे सेल भी करो। कई बार जरूरी नहीं होता कि आप इसको वेट ही करते रहो कि बहुत ऊपर प्राइस आएगा तभी सेल करेंगे, कुछ फ्रैक्शंस में सेल कर दो, कुछ फ्रैक्शंस में होल्ड कर लो। तो यही तरीका होता है लॉन्च पूल से पैसा कमाने का, जो कि टोटली फ्री में आप अर्न कर सकते हो। तो मेरा आपको सजेशन ये भी है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल कॉइंस, या फिर स्टेबल कॉइंस नहीं भी रखने तो BNBs होने चाहिए। जब भी प्राइस नीचे गिरता है तो BNB ज़्यादा बाय करने का आपको फ़ायदा मिलता है, यानी कि आपको सस्ते में BNB मिलता है, तो आप उसको बाय ज़रूर करो। इसी के साथ अगर आपको स्टेबल कॉइन मिल रहा है या स्टेबल कॉइन आपके पास पड़े हैं तो स्टेबल कॉइन्स को होल्ड करके रखो, ताकि आप उसको कभी भी कोई भी लॉन्च पूल आता है तो उसमें स्टे करो। तो यहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पर लॉन्च पूल्स चेक करता रहता हूँ कि जैसे ही लॉन्च पूल आ जाए उसके ऊपर मैं स्टे करता ही करता हूँ, चाहे रिवॉर्ड बहुत ही छोटा हो चाहे वो बहुत बड़ा हो। क्योंकि एक तरीके की गेम है, जैसे कि एयरड्रॉप होता है, एयरड्रॉप की तरह हमें बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी मिल जाता है और छोटा रिवॉर्ड भी मिलता है, लेकिन 10 में से 5-7 अच्छा रिवॉर्ड देकर जाते हैं। तो यही है ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से। लेकिन अगर आपको ओमनी नेटवर्क के बारे में कोई भी डाउट हो, या फिर इनका जो अभी रिवॉर्ड मिल रहा है लॉन्च पूल के द्वारा उसको लेकर कोई भी डाउट हो, कैसे स्टे करना है या फिर कैसे रिडीम करना है, नीचे कमेंट जरूर करो। एंड हाँ, आपको बता रहा हूँ कि 3-4 दिन की बात है, उसके बाद लिस्टिंग होने वाली है, लिस्टिंग पे प्राइस बहुत ऊपर जाएगा, तो मेक श्योर तब आपने कुछ फ्रैक्शन सेल भी करना है, जितना भी प्राइस हो सेल करो, प्रॉफिट ज़रूर बनाओ। पिछले अगर हम पास्ट की बात करें, पिछले समय में जितने भी लॉन्च पूल प्रोजेक्ट्स आए हैं इस बुल मार्केट में लगभग सभी सक्सेसफुल रहे हैं, तो इससे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी सक्सेसफुल रहने ही वाला है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।